हाय फ्रेंड्स, स्वाति की रेसिपी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाएंगे फिश की एक नई तरीके से रेसिपी। फिश तो आप बहुत ही खाए होंगे, लेकिन इस तरह एक बार बनाकर खाइए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मछली को पहले से धोकर रख लिए हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी मिलाएंगे। इस तरह मछली में नमक और हल्दी अच्छी तरह मिलाएंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब ऑयल डालेंगे। मछली को फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सभी मछली को इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। सभी मछली को फ्राई कर चुके हैं। अब मछली के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। पहले हम राई लेंगे 2 चम्मच, 2 सूखी लाल मिर्च और लहसुन, थोड़ा सा जीरा, 2 से 3 चम्मच पानी मिलाकर अच्छी तरह स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। मसाला को अच्छी तरह पीस लिए हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब ऑयल डालेंगे। 2 प्याज को बारीक काट के डाल देंगे। थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब जो मसाला पीस कर रखे थे मसाला को डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसाला को अच्छी तरह भून लेंगे 5 मिनट। दो से तीन चम्मच पानी मिलाएंगे मसाला अच्छी तरह भूनने के लिए। 1 टमाटर को बारीक काट के डाल देंगे। मसाला के साथ टमाटर भी अच्छी तरह भून जाए। टमाटर और मसाला अच्छी तरह भून चुका है। फ्रेंड्स देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह सूख गया है। अब इसमें पानी मिलाएंगे थोड़ा सा। मसाला में अच्छी तरह उबाल आ चुका है, अब कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे। मसाला में मछली को डाल देंगे। मसाला में जो पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए, हमारा रेसिपी रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स मछली सब्जी में पानी अच्छी तरह सूख गया है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा? फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।